अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडे इज माई रिव्यू अबाउट गोल्डन पर्ल डेली ऑयल कंट्रोल एंड फॉर्मिंग फेस वॉश। सो अगर आप कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं ऑयल कंट्रोल के लिए, एक्निंग के लिए, वाइटनिंग के लिए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक मेरे पास यहाँ पर ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है जो कि पर्पल वाला है, और एक मेरे पास ब्लू वाला है जो कि फॉर्मिंग फेस वॉश है। ये दोनों के दोनों गोल्डन पर्ल ब्रांड के फेस वॉश हैं। गोल्डन पर्ल का ब्रांड बहुत अच्छा है, इसके फेशियल, इसकी और भी काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सो पहले मैं इस वाले फेस वॉश का डिटेल्स आपको बताती हूँ। ये ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है और ये हम डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। ऊपर मेंशन है गोल्डन पर्ल इसका ब्रांड है। तो ये वाला जो है वो लेमन एंड योगर्ट एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, यानी कि इसमें दही, लीमू और एलोवेरा है। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो ये ऑयल उस वाले स्किन के लिए है। यहाँ पर इसके ऊपर मेंशन है कि ये गोल्डन पर्ल डेली ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है जो कि स्पेशली आपकी स्किन के लिए और आप जो ऑयल वगैरह है, डर्ट वगैरह, उसको रिमूव करने के लिए बनाया गया है। और ये आपकी स्किन को क्लींस करता है और पिंपल फ्री करता है। इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर मेंशन है। तो ये आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट लेकर, जैसे आप रेगुलर फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेड इन पाकिस्तान है और ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये यहाँ पर मेंशन है कि ये 75 ml इसकी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये वाला फेस वॉश मैंने यूज़ किया हुआ है। दोनों के दोनों फेस वॉश मैंने यूज़ किए हुए हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन पर ऑयल की वजह से दाने निकलते हैं, तो ये वाला फेस वॉश आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर बाय करें। और अक्सर ऐसा होता है कि ऑयल कंट्रोल फेस वॉश नाम के होते हैं लेकिन वो ऑयल कंट्रोल नहीं करते, लेकिन ये सच में आपकी स्किन को मैट कर देता है। और इसका टेक्स्चर कुछ इस तरह का है जो कि ट्रांसपेरेंट टाइप है, जबकि इसकी निस्बत दूसरे का टेक्स्चर, दूसरे फेस वॉश का टेक्स्चर इस तरह का नहीं है, इस तरह इसका टेक्स्चर है। और ये बहुत अच्छा फेस वॉश है ऑयल कंट्रोल करने के लिए। ये मैंने जो यूज़ किया है बहुत अच्छा है। तो दूसरा जो फेस वॉश है वो है डेली फोमिंग फेस वॉश। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, वो ऑयली स्किन के लिए था, यानी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई है तब भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तब भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, यानी कि कहीं से ड्राई है कहीं से ऑयली है, तो आप तब भी ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला फेस वॉश फोमिंग फेस वॉश है, यानी कि जब आप इसको इसके साथ फेस वॉश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा फोम सा बन जाता है। तो इसके पीछे भी इसके सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है। तो ये क्लेम करते हैं कि ये लिकर एक्सट्रैक्ट के साथ इनरिच्ड है, मल्टी वाइटामिन है इसमें, और ये आपकी स्किन के ऊपर मेलानिन, जो कि स्किन को डार्क करता है, उसको कम करता है और आपकी स्किन को ब्राइट करता है। और सूटेबल फॉर ऑल एजेस एंड स्किन टाइप, हर एज के लिए और हर स्किन के लिए सूटेबल है। यहाँ पर इसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है जो कि ज़्यादातर तकरीबन वाइटनिंग ही है। कोजिक एसिड वगैरह इसके अंदर है, वाइटामिन सी है, ग्लिसरीन है, ये सारे के सारे वाइटनिंग ही हैं। यहाँ पर इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका टेक्स्चर उसकी निस्बत क्रीमी है, जैसा कि फेयर एंड लवली फेस वॉश का होता है, और ये बहुत ज़बरदस्त है स्किन को ब्राइट करने के लिए और वाइट करने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो ये वाला वाइटनिंग के लिए है, और जो दूसरा वाला मैंने आपको अभी दिखाया है वो ज़्यादा ऑयल और एक्ने के लिए। अगर आपकी स्किन एक्ने वाली ज़्यादा है तो आप वो वाला बाय कर लें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा आपको ब्राइटनिंग और वाइटनिंग चाहिए तो आप दूसरा वाला ब्लू वाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको वाइटनिंग भी चाहिए और अगर आपको साथ के साथ पिंपल्स भी ख़त्म करने हैं तो आप ये दोनों बाय कर लें। एक टाइम आप एक यूज़ कर लिया करें और दूसरे टाइम आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपको दोनों वाइटनिंग भी मिल जाएगी और आपकी एक्ने वगैरह और ऑयल कंट्रोल भी हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों के दोनों टेस्ट किए हैं, बहुत ज़बरदस्त है और मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। इसकी एक की प्राइस 120 rupees है और दोनों की प्राइस सेम है। इनके अलावा इसमें एक और भी गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश में वेरियंट है, वो है हर्बल। वो उसकी भी मैं पिक साथ में अटैच कर दूँगी। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हर्बल प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। उसके साथ भी मेरे ख्याल से आपकी एक्ने वगैरह को वो भी कंट्रोल करता है। तो आज का मेरा रिव्यू अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 75 ml है जो कि आपको अच्छा खासा चल जाता है, और इसकी प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल है और इसका ब्रांड भी बहुत अच्छा है। तो मेरे कहने पर आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करें और
मुझे बताएं कि आपको क्या स्किन का प्रॉब्लम है, तो आप उसी लिहाज से फिर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये वाला यूज़ करें, ऑयल कंट्रोल वाला। अगर आपको वाइटनिंग चाहिए आप ब्लू वाला यूज़ करें। अगर आप इनसे कोई हटके ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो हर्बल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी पिक मैं साथ में अटैच कर दूँगी। तो इसकी प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त है और ये इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही कमाल के हैं, मैंने यूज़ करके देखा हुआ है। तो चलिए आप मुझे इजाज़त दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और आप भी इसको बाय करें और ट्राई करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे ये बताते रहा करें कि आपको किस टॉपिक के रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियोज़ बना दिया करूँगी और आपकी हेल्प कर दिया करूँगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।